सो हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा ये एक ब्रैकेट है, इनटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा की जो दूसरी ब्रैकेट है, इसको सिंपलीफाई कर, ठीक है, ये सिंपलीफाई करके क्या आएगा ये देखना है। तो इसमें हमें बस ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या पहली चीज इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा किसका रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और क्यों होता है देखा जाए तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच से एच कट गया तो पी बाय बी, और पी बाय बी क्या होता है, टेंजेंट थीटा डेफिनेटली साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। इसी लॉजिक से कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा का, तो इस लॉजिक से कॉस थीटा क्या बना, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको a plus b into a minus b की identity पता होनी चाहिए, क्या होती है a plus b into a minus b की identity, a square minus b square। तीसरा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए a plus b का whole square पता होना चाहिए, a square plus b square। ये तीन चीजें इस क्वेश्चन में यूज होंगी, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली ब्रैकेट में क्या बेटा, 1 प्लस tangent theta क्या होता है बोलो, sin theta by cos theta, secant theta क्या होता है बोलो, 1 by cos theta, second bracket 1 plus cot theta क्या होता है बेटा, ठीक है, और cosecant theta क्या होता है बोलो, 1 by sin theta। ये तो हमें मालूम है ना, इन दो ब्रैकेट को आप सिंपलीफाई करते हैं। पहली ब्रैकेट में क्या एलसीएम आएगा बोलो, कॉस थीटा एलसीएम आया, ऊपर क्या बन गया बोलो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में क्या एलसीएम आया बोलो, दूसरी ब्रैकेट में आया साइन थीटा एलसीएम, तो क्या बना बोलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। अब यहाँ पे आने के बाद ना थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने का तरीका होना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो पहली ब्रैकेट में न्यूमरेटर में आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नजर आ रहा है, उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, प्लस माइनस। आपने सर्कल लगाना नहीं है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लगाया, कहीं पेपर में लगा दो आप। और इस तरह से दूसरी ब्रैकेट में भी आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाली चीज नजर आ रही है। इस पूरे को मैंने माइंड में ये माना, माइंड में लिखना नहीं है आपने, कहीं ये ऊपर लिखो, और इस वन को क्या मान लिया मैंने, बी। तो आपको कौन सा फॉर्मेट नजर आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a क्या हमारे पास लॉजिकली कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और b क्या है, वन, वन का स्क्वायर। और नीचे क्या है बेटा, कॉस थीटा इंटू साइन। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे करते, नीचे कर रहा हूं मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर बताओ सब बच्चे क्या होगा, यस, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sin, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, और आगे क्या बेटा, माइनस 1 दिया। अब बताओ और नीचे क्या बोलो, नीचे क्या cos theta into sin theta, ठीक है, ये सारे स्टेप मैंने किए आपके सामने अभी। अब मुझे जल्दी से बताओ cos का थीटा प्लस sin का थीटा क्या होता है, 1, ये आइडेंटिटी होती है हमारी, इस cos के प्लस थीटा प्लस sin के थीटा को रख करके 1 लिख दो, एक प्लस वन है और एक माइनस वन है, कट हो गया, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या रह गया, इधर कर रहा हूं मैं, फाइनली हमारे पास न्यूमरेटर में तो रह गया 2 cos थीटा इनटू साइन थीटा
और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, cos theta into sin theta, और ये कट हो गया तो क्या रहेगा, 2 है। सो ये जो हमने सॉल्व करना था, सिंपलीफाई करना था, इसका आंसर क्या आया सॉल्व होके, 2। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। अगर ये ऑब्जेक्टिव मोड में आता तो 2 वाली ऑप्शन हमें टिक करके आनी, और सब्जेक्टिव मोड में आता तो हमें फाइनली आंसर क्या निकाल के आना, 2 निकाल के। एक बार ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, ये प्रूव कर रहा है, तो उससे क्या दिक्कत है, आप LHS लेंगे, सॉल्व करके 2 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, RHS होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया, जब भी आपको रिवीजन करनी हो कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ।